बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब क्वेरीज। ये लेक्चर नंबर 19 है और जॉइंट से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट है ये सब क्वेरीज का। और दो जॉइंट्स हमने पिछली क्लास में मतलब हमारे रह गए थे जो सही से नहीं हुए थे। एक तो इक्वी जॉइंट था और दूसरा आपके पास सेल्फ जॉइंट था। इंशाल्लाह हम उनको आगे डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सब क्वेरीज। अच्छा, और इसको सब क्वेरीज को नेस्टेड क्वेरीज भी कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड हैव अ लुक व्हाट वी हैव टुडे। ऑलराइट, एसक्यूएल मेरे पास ओपन है और मैं यहाँ से अपना डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि था एग्जांपल डीबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसके अंदर हमने एक टेबल भी बनाया था, एक दो एम्प्लॉयज़ और सैलरीज का। ठीक है, अब सब क्वेरी का क्या मतलब है? सब क्वेरी का मतलब ये है क्वेरी विद इन अ क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी। सही है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट करो सब कुछ फ्रॉम, और टेबल का नाम हम दे देते हैं सैलरीज एस। ठीक है, जो भी आप शॉर्टकट नेम देते हैं एलियास। ओके, और वेयर, अब वेयर के अंदर मुझे एम्प्लॉय की आईडी उठानी है। तो मैं एम्प्लॉय की आईडी कैसे उठाऊं? वेयर एस डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, फर्स कर लो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के अंदर। सही है, किसी वजह से आपको ऐसी करने की ज़रूरत पेश आ सकती है तो आप यहाँ पर जो है वो सब क्वेरी लगाओगे कि सिलेक्ट करो टॉप वन। मतलब ज़रूरत कुछ ऐसी है कि आपको जो सबसे आखिरी एम्प्लॉय है ना उसकी सैलरी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, अगर मैं इसको हटा दूँ, सिनेरियो पहले समझ लें, मुझे सैलरीज फैच करवानी है। मतलब सैलरी फैच करवानी है, किसकी सैलरी फैच करवानी है? जो सबसे लास्ट एम्प्लॉय ऐड हुआ है ना उसकी। तो वो कैसे होगा? मैं यहाँ वेयर में आईडी क्या दूँ जिससे पता चले कि लास्ट एम्प्लॉय है? मैं नहीं दे सकता। तो इस सूरत हाल में मेरे पास अगर क्राइटेरिया बना रहे हैं तो हम सब क्वेरी से क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा सिलेक्ट करो, जैसे हम नॉर्मली सिलेक्ट की क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट और टॉप वन। अच्छा, व्हाई आई एम डूइंग दिस टॉप वन? सब क्वेरी का जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा एक ही रॉ में होना चाहिए। अगर आपकी सब क्वेरी में मल्टीपल रोज रिटर्न हो गया आएंगी तो आपकी जो पेरेंट क्वेरी है वो सही से काम नहीं करेगी और एरर आ जाएगा। सही है, तो यहाँ पर इसलिए मैं एक रिकॉर्ड फैच करवा रहा हूँ, सिलेक्ट टॉप वन, जो हमने लास्ट रिकॉर्ड फैच करवाने का सीखा था पहले। तो सिलेक्ट टॉप वन फ्रॉम, अभी कॉलम नेम दे रहा हूँ मैं, और यहाँ पे हम दे देंगे एम्प्लॉयज़ ई। तो मैंने यहाँ पे कहा सिलेक्ट टॉप वन ई डॉट, तो यहाँ से हम ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी कि भाई टॉप वन एम्प्लॉय आईडी ले लो, जो भी एम्प्लॉय आईडी है, और इसमें ऑर्डर बाय लगा लो, ऑर्डर बाय, और यहाँ पे आप दे दो ई डॉट आईडी डिसेंडिंग। तो अगर मैं सिर्फ इस क्वेरी को चलाऊंगा तो क्या होगा? आप देखें, सिर्फ अगर मैं इस क्वेरी को चला रहा हूँ तो मेरे पास वो एम्प्लॉय आएगा जो सबसे आखिर में ऐड हुआ, जिसकी आईडी है फॉर ऑटोमेटिकली। और देखें, एक रिकॉर्ड आ रहा है सिर्फ। ठीक है, मल्टीपल रोज भी नहीं होनी चाहिए और मल्टीपल कॉलम्स भी नहीं होने चाहिए यहाँ पर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सब क्वेरीज का ये रूल है कि आप जब सब क्वेरी देते हैं तो उसके अंदर सिर्फ एक रिकॉर्ड उठ के आएगा, एक रॉ, एक कॉलम, तभी वो दूसरे वेयर को पास हो सकता है। क्योंकि इसके आगे आप क्या पास करवा रहे थे? या एक आईडी, कोई भी आईडी, तो यहाँ पे वही आईडी रिटर्न हो के आ रही है ऑटोमेटिकली जो लास्ट एम्प्लॉई है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पर? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊँ तो आप देखें यहाँ पे कुछ भी उठ के नहीं आ रहा। क्यों नहीं उठ के आ रहा? क्योंकि हमने उस एम्प्लॉई की सैलरी ऐड ही नहीं की थी। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ टॉप टू कर दूंगा ना तो देखें आप एरर आना शुरू हो जाएगा। ये देखें एरर कि सब क्वेरी रिटर्न्ड मोर देन वन वैल्यू। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा वैल्यूज नहीं आ सकती। इवन आप दो कॉलम भी नहीं दे सकते। मतलब अगर मैं टॉप वन ही रहने दूँ और ई एम पी डॉट नेम भी दे दूँ साथ, और अब अगर मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करूँ तो भी एरर आएगा कि ओनली वन एक्सप्रेशन कैन बी स्पेसिफाइड वन यू इंट्रोड्यूस द सब क्वेरी। ठीक है, डायरेक्टली। तो ये कुछ रूल्स हैं सब क्वेरी लगाने के। अच्छा, एक काम करते हैं, सैलरीज के अंदर ना एक सैलरी ऐड करते हैं एम्प्लॉई नंबर 4 की भी, या एक नया एम्प्लॉई ऐड कर लेते हैं, उसकी सैलरीज भी ऐड कर लेते हैं। सो यहाँ पे पहले तो इसको सब करेक्ट करते हैं, एम्प्लॉई आईडी, ये तो सही है। खैर, इंसर्ट इनटू, और एम्प्लॉई था 4 ना, तो आप सैलरीज और वैल्यूज, और यहाँ पे आ जाएगा सैलरीज के अंदर कॉलम्स कौन कौन से हैं, अमाउंट, डेट और एम्प्लॉय आईडी। अमाउंट में हमने दे दिया 45,000, डेट में हमने दे दिया 2020-06-01, और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी जो कि है 4। तो मैंने जो है वो
इंसर्ट कराया। अब अगर मैंने इस रिकॉर्ड को, मतलब मुझे लास्ट एम्प्लॉय की सैलरी देखनी है, तो आप देख सकते हैं उसके ऊपर लास्ट जो एम्प्लॉय है वो, उसका नाम उठा, उसकी आईडी उठी और वो यहाँ से उठ के आ गया। अब अगर मैं एक एम्प्लॉय ऐड करता हूँ, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो हम देख लेते हैं कॉलम्स में। तो नेम है, एज है और सिटी है, तो यहाँ पर हम दे देते हैं नेम, नेम के अंदर हम दे देंगे यूसुफ, एंड उसके बाद क्या है एज, तो एज के अंदर हमने दे दिया, और उसके बाद आपके पास है सिटी, हमने दे दिया कराची, और उसके बाद एक इंसर्ट ये हो जाएगा। फिर इंसर्ट करने के बाद पहले तो इसको इंसर्ट करें, सही इंसर्ट हो गया। अब सैलरी भी तो इंसर्ट करवानी है, इन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है, सॉरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें अब, तो आप देखें यूसुफ है, उसकी आईडी 5 है, तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर यूसुफ की सैलरी जब ऐड करूँगा और आईडी यहाँ क्या दूंगा 5, तो अब यूसुफ की सैलरी भी ऐड हो गई यहाँ पे सैलरी के टेबल में, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो लास्ट एम्प्लॉई में क्या आ रहा है, इसको अगर मैं सिर्फ एग्जीक्यूट करूँ 5 आ रहा है, तो अब अगर मैं इसको पूरे को चलाऊंगा तो क्या आएगा आपके पास, यूसुफ की सैलरी आएगी। और यहाँ से आप जो है वो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सैलरीज लिखा हुआ है आपने, आप इनर ज्वाइन भी लगा के एम्प्लॉई आईडी वगैरह भी यहाँ से जो है वो फेच करा सकते हैं, मसला नहीं है। मतलब जो हमारा इक्वी ज्वाइन था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एम्प्लॉयज़ ई, और यहाँ पे आप दे सकते हो दोनों का रिकॉर्ड। अब देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, ये देखें सारे रिकॉर्ड आ गए जो जो आपके पास थे, क्योंकि ऑल लिखा हुआ है आपने। यहाँ पे आप दे दो ई डॉट एम्प्लॉय नेम, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, और एस डॉट एम्प्लॉय सैलरी या अमाउंट, और उसके बाद यहाँ पे इसको आप कर लें एग्जीक्यूट। तो आप देखें अब ये रिकॉर्ड गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि 30,000 हमने यहाँ से सिर्फ लास्ट रिकॉर्ड फेच कराया, और यहाँ पे आपने ये बस ये गलत किया है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। हटा दें इसको, और यहाँ से भी इसको हटा दें। बताने का मकसद ये है कि लास्ट एम्प्लॉय की सैलरी बस आपके पास उठ के आ रही है, जो क्या है 30,000। आई होप यू गॉट द पॉइंट। दिस इज़ ऑल अबाउट द सब क्वेरीज इनसाइड एसक्यूएल सर्वर। अच्छा, इसका कोई लिमिट नहीं है, आप इसके अंदर भी वेयर लगा के एक और सब क्वेरी लगा सकते थे, और जो पेरेंट क्वेरी, मतलब जो सब क्वेरी तो अंदर होती है, उसकी जो ऊपर वाली क्वेरी होती है, मतलब ये जो क्वेरी है ये फिर पेरेंट क्वेरी होगी, इसके अंदर अगर आप कोई क्वेरी बना लोगे तो उसकी पेरेंट ये होगी, एंड सो ऑन, ठीक है। तो सब क्वेरीज भी बिल्कुल जॉइंस की तरह ही एक तरीके से काम कर रही होती हैं, बट सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कभी सब क्वेरी यूज़ करते हो, कभी आप जो है वो जॉइंस यूज़ करते हो, आपको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप वो यूज़ करते हैं। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। So that's all for today. Hope you have enjoyed this tutorial. If you haven't subscribed yet, do press the subscribe button, do share it and comments if you don't understand anything. And if you haven't pressed the bell icon, do press the bell icon for getting latest tutorials daily. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.